सनातन परंपरा में श्रावण मास में की जाने वाली कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना लिए इस पावन यात्रा के लिए निकलते हैं। इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है। ऐसे में कावड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन से होगी, जिसका समापन 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर होगा। श्रावण के महीने में कावड़ को लेकर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बेहद पुरानी है। शिव भक्त कावड़ को बांधकर कंधों पर लटकाकर अपनी मूल स्थान के शिवालय में लाते हैं और फिर यहाँ के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कहते हैं कि भगवान परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और फिर इस गंगा जल को उन्होंने यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव पर चढ़ाया। भगवान शिव को समर्पित इस कावड़ यात्रा में श्रद्धालु पवित्र गंगा जल का या फिर किसी नदी विशेष का शुद्ध जल अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पवित्रता और संकल्प के साथ की गई इस यात्रा से प्रसन्न होकर कल्याण के देवता भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य ही कृपा बनाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कावड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें तोड़ने पर न सिर्फ यात्रा अधूरी रह जाती है और उसका पुण्य फल भी नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आप भी इस सावन में कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो कावड़ यात्रा के कुछ नियम हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान बगैर स्नान किए कावड़ को स्पर्श करना मना होता है, इसलिए नहाने के बाद ही अपना कावड़ लेकर आगे बढ़े। भगवान शिव को समर्पित इस यात्रा के दौरान कभी भी कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि कहीं शौच विश्राम आदि के लिए रुकना भी पड़ जाए तो उसे पेड़ या किसी उच्च स्थान पर रख देना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी चीज को ना तो आपको प्रयोग करना है और ना ही उसे छूना है। कावड़ को सिर के ऊपर रख कर न ले जाएं। जी हाँ, कावड़ को सिर के ऊपर रखना वर्जित माना गया है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे कावड़ को नहीं रखना चाहिए। भोले के भक्तों को कावड़ यात्रा के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग, क्रोध या विवाद नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान बोलबम और जय शिव शंकर का जयकारा या फिर शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा जैसे मांस मदिरा भांग आदि का सेवन ना करें। इस पावन यात्रा के दौरान भूलकर भी तामसिक भोजन ना करें। जी हाँ, कावड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही अच्छी पूजा पाठ बताई जाती है। सावन का महीना पवित्र होता है और सावन के महीने में आप जो भी करें पवित्रता और सच्चे मन के साथ करें, निश्चित ही भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपकी यात्रा भी सफल करवाएंगे।